हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल 9 to 5 गए। तो दोस्तों, आज मैं और दूसरा इवनिंग रैप लेके आया हूँ। मैंने बजाज ऑटो का जो Q3 का रिजल्ट है, सॉरी बजाज ऑटो के नहीं, टाटा कंज्यूमर्स का ऑलरेडी मैंने बता दिया है, बजाज ऑटो का भी मैं बताऊंगा। पता नहीं वीडियो इसके पहले अपलोड होगा कि इसके बाद में होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सारे एक ही साथ कर रहा हूँ। ये है बजाज ऑटो का चार्ट क्या होगा। फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने, ये है पोल, ये है फ्लैग, उसका ब्रेकआउट दे दिया है। टारगेट क्या होगा डेफिनेटली अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपको पूरा वीडियो दिखाना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आप इमीजिएटली जाके बाय करोगे। तो शुरू करते हैं एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो से। जैसे हम लोगों ने कल बात की थी, देखो एडवांस 1062 एंड डिक्लाइन कितना है 948, मतलब दोनों ऑलमोस्ट 1000 के आसपास है, मतलब इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। तो लाइक बुल्स और बियर दोनों एक ही लेवल पे, दोनों एक ही लेवल से, दोनों एक ही ताकत से पुश कर रहे थे, ना बुल्स जीत पाए ना बियर जीत पाए। हाँ, इन द एंड थोड़ा सा बुल जीते, थोड़ा सा ऊपर है बियर्स के हिसाब से, बट हाँ ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं था। ये इफेक्ट यहाँ पे भी दिख जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेंसेक्स सिर्फ 0.12%, निफ्टी 50 सिर्फ 0.15%। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन अच्छा दिख रहा है। निफ्टी बैंक जाने दो, निफ्टी बैंक सिर्फ 0.12%। तो आप देख सकते कितना ही मोमेंट है इसमें। अगर आपने ऑप्शन से कंसेप्ट कुछ पता है तो आपको पता है कि ऑप्शन बायर तो मर जाएगा इसमें, अगर उसके पास प्रॉपर कंसेप्ट नहीं है, और उसके प्रॉफिट्स भी काफ़ी लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि इतना मोमेंट है और ये सारा प्रीमियम डीके हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ऑप्शन बायर से पैसा ले रहे हैं ऑप्शन सेलर्स, और ऑप्शन सेलर बैठ के एकदम बिंदास पैसे कमा रहे हैं। आप ये नीचे भी देख सकते हैं, निफ्टी मिड कैप इतना नहीं गिरा, सिर्फ 0.09% है। तो जैसे बोले कि बुल्स और बियर का फाइट में दो कोई नहीं जीता, सब एक नॉर्मल लेवल पर आके रखा है। सबसे पहले टॉप गेनर्स, सबसे पहले बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइज, ब्रिटानिया एंड देन बजाज फिनजर। देखो बजाज भाई, दोनों भाई भाई या भाई बहन और बहन बहन कुछ भी हो सकता है, दोनों एक साथ गए। देखो जब बढ़ते हैं दोनों एक साथ बढ़ते, 2.38% 1.97%, इसका मतलब जाके इमीडिएटली बाय करना है, नहीं बाय नहीं करना है, सबसे पहले आप जाके चार्ट स्टडी करो, चार्ट स्टडी करने के बाद डिसाइड करो बाय करने का है कि नहीं। अदानी एंटरप्राइज डेफिनेटली बाय नहीं करना है, अभी भी हाई पीई पे वो लाइक कर रहा है, तो भी बाय करना है। मैं डेफिनेटली बताऊंगा जब उसका पहला क्वार्टरली रिजल्ट आने, तो उसका पी थोड़ा लो लेवल पे आने, तो फिर डिसाइड करेंगे कि कभी बाय करना है। उसके बाद हमारे एक मिनट, हाँ सॉरी डबल स्क्रीन शॉट। उसके बाद क्या है, सॉरी मैं एक्टिव टोटल, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि एक्टिव बाय वैल्यू, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू में कितना ये डिफरेंस हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका नाम वॉल्यूम भी देखेंगे। सबसे पहले देखो मैंने कल क्या बताया था, ICICI बैंक, देखो कल भी नहीं भागा था, आज भी नहीं इतना भागा है, बट उसका वॉल्यूम देखो, जो वॉल्यूम बढ़ रहा है ICICI बैंक का, इसको क्या कहते हैं मालूम है, इसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। लो लेवल पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, और जब भागेगा ना, आई स्वेयर ना, आप पकड़ पाओगे ना कोई पकड़ पाएगा, फिर आप बोलोगे कि अरे ये शेयर भाग गया, अभी कैसे बाय करूँ। तो डेफिनेटली आपको तभी भी नहीं बाय करना है, जब भी उसका एक्चुअल लेवल है तभी उसको बाय करना रहता है। भागे हुए शेयर को कभी भी देखो, आपको ना कभी शेयर के पीछे भागना नहीं है। शेयर भागेगा ठीक है, बोलने का ठीक है भाई तू भाग जा, हमें हमारे लेवल पे वेट करना है कि भाई जब तू रिटर्न आएगा ना तभी मैं बाय करेगा, तब तक मैं बाय नहीं करेगा। ओके, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो 52 वीक हाई पे है, 52 वीक हाई पे कौन से स्टॉक है, एक ITC में उसके Q4 रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ, और एक बजाज ऑटो जिसका ऑलरेडी Q4 का रिजल्ट्स आ चुका है, शायद वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुका होगा, नहीं तो इसके बाद में अपलोड होगा, बट डेफिनेटली आज के दिन में अपलोड होगा। तो वीडियो पूरा देखो, मैं आपको पूरा उसमें बताऊंगा कि बाय कब करना है एंड सेल कब करना है। ओके, उसके बाद हम लोग बजाज ऑटो का चार्ट देखने वाले, तो मैं आपको बजाज ऑटो का चार्ट दिखाता हूँ। तो ये है बजाज ऑटो का चार्ट, क्या किया चार्ट में, जैसे मैंने बताया देखो यहाँ से कंटिन्यूस यहाँ पे कंटिन्यूस नॉन स्टॉप अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के बाद क्या किया, कोरोना में नीचे ने, देखो ये एक कैंडल मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल मतलब क्या, ये जो पूरा कैंडल है जो ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल है वो पूरा मंथ का सेंटिमेंट दिखाता है कि पूरा मंथ में क्या हुआ। उसके बाद कोरोना के बाद हाई किया, उसके बाद कंसोलिडेशन में गया ऑलमोस्ट 2 साल में, और 2 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया है। अभी करना क्या है,
देखो इमिजिएटली जाके बाय मत करो, क्योंकि ब्रेकआउट डे के ना वो ये लेवल पे चला गया। तो मुझे क्या लगता है इसका ये मीड जो लेवल है यहाँ पे आ सकता है। अभी आपको जाके ना मार्क करना है, मैं ये फोन पे ये कर रहा हूँ तो मैं इधर मार्क नहीं कर सकता उसका एक्चुअल लेवल, बट आप देख सकते हैं 4200 के आसपास कुछ तो एक्चुअल वैल्यू होगा। तो उसका टारगेट क्या होगा, देखो सबसे पहला टारगेट ना ये होगा, ये ना आपको ना खुद मैप पे जाना है, खुद चार्ट पे जाना है, चार्ट पे डालना है, चार्ट पे कैलकुलेट करना है, ये उसका रहेगा। और दूसरा टारगेट क्या रहेगा, देखो यहाँ से ये पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट क्या रहेगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, दूसरा टारगेट ये इतना बड़ा टारगेट है वही वो यहाँ से यहाँ पे रहेगा, यहाँ से ऊपर तक रहेगा। अभी आपको कैलकुलेट करना है आपके चार्ट के ऊपर ये करके, और आपको ना स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हो तो डेफिनेटली आप ना कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये बड़ी कैंडल है इसका लो रखो, जब स्टॉक भागेगा तो ट्रेल करो, शायद इसके मिडिल तक लेके जाओ, इसके टॉप तक लेके जाओ, और अगर कोई दूसरी अच्छी बड़ी कैंडल बनती है तो उसके लो के ऊपर लेके जाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ लेवल्स मिले होंगे, कुछ आइडिया मिले होंगे, तो उस हिसाब से आप स्टडी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।